लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और प्यार ये दुनिया के बनाए हुए कायदे कानूनों और बंदिशों में विश्वास नहीं रखता, और शायद इसीलिए हम गलतियां करते हैं। पर हमारी आज की कहानी है साची और अभिजीत की कहानी। साची एक केयर टेकर, एक नैनी। अभिजीत वो जिसने जल्दबाजी में प्यार करके प्रत्युषा से शादी तो कर ली, ओनली टू रियलाइज कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। और साची जो अभिजीत की दुनिया से बिल्कुल अलग, अब ये दोनों दुनिया के बनाए हुए कायदे कानूनों और बंदिशों से लड़ झगड़ कर अपने प्यार से समझौता कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आर यू हंग्री? यस यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आर यू हंग्री? यस यू आर। नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज नो वे वी कैन पास दिस लोन। उसके पेपर्स इनवैलिड हैं, सो प्लीज जस्ट ड्रॉप इट। तो उनसे कहो कि वो गारंटर बन जाए, काम हो जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रांच मैनेजर की होती है, यानी कि मेरी। उनसे कहो कि हमने अपना रिसर्च किया है एंड दिस मैन इज नॉट हेल्दी फॉर आवर ब्रांच, सो प्लीज लीव इट। राइट? ओके, गुड। एंड द ब्रेकफास्ट इज रेडी। व्हाट द हेल? ओह गॉड, ये सब क्या है? और बाई कहां गई? कल चिल्लाई थी ना उस पे। ओह प्लीज, वो कुछ ज्यादा ही नकचड़ी थी। 2 सालों में ये 5वीं मेड है। 5 महीने से ज्यादा कोई टिकता नहीं है यहाँ पर। सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। प्रत्युषा, आज रिंकी को स्कूल से पिक कर लोगी? मेरी एक मीटिंग है, आई विल बी लेट। मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो बेटा। हाँ माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है। स्कूल के बाद रिंकी को पिक कर लेंगे प्लीज? मेरी एक मीटिंग है, आई विल बी लेट। क्यों, तुम्हारी वाइफ कहाँ बिजी है? उसे कुछ काम है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस कोल्ड एंड। मॉम प्लीज, आप पिक कर लेंगे? आर्ट गैलरी में आज एक इनॉग्रेशन है एंड आई हैव टू बी देयर। आई एम बिजी टू। ऑलराइट डैडी, आई एम रेडी। ओके प्रत्युषा, मैं रिंकी को स्कूल के बाद ऑफिस ले जाऊंगा। ओके, जो करना है करो। चलो बेटा स्कूल चलते हैं, उसके बाद पापा के ऑफिस चलेंगे। ओके चलो आ जा। हे मनोज, व्हाट्स अप? नथिंग मच यार, बस ब्रेकफास्ट करने ही जा रहा था अकेले। आई एम फ्री टुडे। तुम एक काम करो, घर आ जाओ। Then you and me together. What's it? घर पे बैठने का मेरा मूड नहीं है यार। Let's go for a long drive. और वैसे भी रात को मुझे जल्दी घर नहीं आना है। शाम को अभिजीत किसी मेड का इंटरव्यू लेने वाले हैं। Okay, cool then. Bye. तुम्हारे जानने वाली? हाँ साहेब, ये शरीफ घर से है, कल ही आई है रायपुर से। इसके पिताजी गुजर गए तो आप काम ढूंढने निकली है। पगार कितनी? सिर्फ 10,000। और छुट्टी? हफ्ते में सिर्फ एक दिन, संडे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच बीच में गुल करेगी? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी ये। मैं कर दूं? डर्टी है ना, एक जादू देखोगी? थैंक यू। यू वेलकम। 7 बजे आपकी ड्यूटी 7 से 7 रहेगी, आप कल से आ सकती हैं। सही है आपके लिए। थैंक्स सर,
आपको और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक्स। तो मैं मैम को चाय देकर आती हूँ। ओके। रिंकी, ब्रेकफास्ट खत्म कर लेना, ओके? चलो बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। मैम, मैम, लेमन टी। आपके बैग की बाहर वाली जिप में टिफिन बॉक्स है, ओके? याद से खा लेना, अच्छा? और ये आपकी वाटर बॉटल। वेरी गुड। अरे अरे, एक मिनट, पहले मामा को बाय तो बोल दे। ओके। चलो। चाहती है कि उसकी माँ उसका एनुअल फंक्शन अटेंड करे, तो उसमें गलत क्या है? Come on, अभिजीत, बच्चों की आदत होती है डिमांड्स करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी डिमांड्स को पूरी की जाए। That is not just a demand, ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी भी है। अरे उस बच्ची का चाइल्डहुड खराब मत करो। रिंकी का नाम लेके तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें बीवी नहीं, ग्लोरीफाई मेड चाहिए, मेड। Just stop it! तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और रियली अभिजीत, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूं? अनफॉर्चुनेटली नो। क्या कि... अरे वाह रिंकी, आपने तो बहुत अच्छी गर्ल, रिंकी आप तो बहुत ही गुड गर्ल हो गए हो। आप किसी मिलेगी गुड गर्ल, वेलकम। सांची ने रिंकी को मां का प्यार दिया जो इतने सालों में रिंकी को कभी नहीं मिला, और अभिजीत की खुशी थी इसमें। और जो मकान इतने समय से सिर्फ ईंट और पत्थर का एक मकान था, उस मकान को सांची ने घर बनाया। What? इससे ज्यादा अभिजीत को और क्या चाहिए था? मैडम, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ खुश हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तो तेरी भलाई की बात कर रही थी, आगे कभी जरूरत पड़े तो बताना जरूर। जी अच्छा। सांची, ये 12 नंबर वाली यहाँ क्या कर रही थी? वो मुझे काम देने आई थी।
यहाँ से 1,000 ज्यादा पगार। सही है यार। अरे पता है उनके घर में खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए अलग अलग लोग हैं। अरे तेरा काम भी कम हो जाएगा, तुझे मजा भी आएगा वहाँ पे। मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? अरे क्यों? अरे पैसा ऐसा कमाना या नहीं? पैसा कौन सा कम मिलता है यहाँ पर, और मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मैडम थोड़े गर्म दिमाग की है पर साहब बहुत अच्छे, और रिंकी उसे मेरी जरूरत है। रिंकी को या साहब को? आउच, फू, कुछ भी बोलती है। चल अब। अभिजीत। अरे मॉम, आप यहाँ इस वक्त? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं अपनी एक फाइल भूल गया था, वही लेने आया। अच्छा है, भूलते रहा करो। मतलब? बीच बीच में घर आते जाते रहा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे एब्सेंस में कौन कौन आता है। मनोज नाम है उसका, वो एवरी डे विदाउट फेल दोपहर के करीब 2 बजे आता है और 4 बजे निकल जाता है। आप मेरे घर की जासूसी करवा रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे की मदद कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मैं रति से मिली थी, उसने मुझे बताया। आई टोल्ड हर टू के पहना है, और प्रत्युषा की कटसू देखो, वो उसे घर बुलाती है। एंड यू नो आई फील सो एम्बैरेस्ड। प्लीज, हो सकता है वो उसका दोस्त हो। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में दोस्तों की एक लिमिट होती है। एक औरत अपने पति के एब्सेंस में अपने दोस्त को अपने घर रेगुलर क्यों बुलाती और है? हम पहुंच गए घर। देखो अभिजीत। पापा पापा मैं फर्स्ट टाइम। व्हाट? कम हियर माय एंजल, आई लव यू। माँ के लिए चाय। जी चलो चलो। रिंकी आप ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। मॉम आप उस पर बेवजह इल्जाम लगा रही हैं। आई नो वो थोड़ी सी हॉट हेडेड है और हमारे बीच डिफरेंसेस हैं, हर कपल में होते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आप शर्मिंदा हो। व्हाई आर यू डूइंग दिस अभी? मैं समझा नहीं। तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। एक अजनबी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी वाइफ उससे तुम्हें मिलवाती नहीं है, क्यों? मॉम मैं भी तो बिजी रहता हूँ, हो सकता है कि उसे मौका न मिला। स्टॉप दिस अभी। तुम्हारी पीठ फेर लेने से सच बदल नहीं जाएगा। सच का सामना करो, उससे बात करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ अपने तरीके से। कुछ कहना है तुम्हें? जी कहो। वो मुझसे मिलने आता है। क्या तुमसे? कौन है वो तुम्हारा? मेरा दोस्त है। दोस्त? दिस इज ए फैमिली हाउस एंड यू आर जस्ट ए सर्वेंट ओवर हियर। अपने दोस्त से मिलना हो तो घर के बाहर मिला करो, घर के अंदर नहीं, समझे? I'm sorry, ma'am. Sorry? My foot? Sorry, sir. मैं उससे कह दूंगी कि 7 बजे के बाद ही मिला कर। बस अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं वो प्रतुषा से मिलने आता है। क्या? मैं जानती हूँ आप ये सब अपनी शादी बचाने के लिए कर रहे हैं और रिंकी के लिए। थैंक्स। तुम चाय ले आओ।
ये हो गया बलून तैयार। अब इसको कहाँ लगाएं हम? पापा इज बैक। आज पापा आपके आपकी फेवरेट फेरी डॉल लाए। पापा आपको कैसे पता मेरे को फेरी डॉल चाहिए? कल रात को मेरे सपने में एक काइंड हार्टेड फेरी आई थी, उसने मुझे बताया कि आपको ये वाली डॉल चाहिए। ओके, अब आप जल्दी से बैठो और खोल के देखो। थैंक्स मुझे रिंकी की विश बताने के लिए। उसके चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं आपको नहीं भी बताती तो भी आप जान ही जाते, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पापा हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। वो मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे जान लेते थे कि मुझे क्या चाहिए, जैसे आप जान लेते हैं। थैंक यू पापा। लव यू बेटा। चलो केक काटते हैं। अरे पहले मम्मी को तो आ जाने दो। तो फिर कार्ड गेम खेलते हैं। पर मुझे तो कार्ड्स खेलना नहीं आता। पापा सिखा देंगे। ठीक चलो। मेरी फिकर नहीं। Nobody cares about me. Stupid मनोज, दो घंटा वेट करा के कहता I can't come. दुशा, संभालो अपने आप को। ये क्या कर रही हो? Don't touch me. बर्थडे पार्टी? हाँ। ओह जॉल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दुशा। उसका बर्थडे नहीं है आज, रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। बट हाउ वुड यू नो? चलो चलो। Just stop it, damn it! Behave yourself! क्या कर रही हो तुम? रिंकी पे उसका क्या असर पड़ेगा? कभी रिंकी की माँ के बारे में सोचा है? रिंकी के पैदा होने से पहले सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखता था, लेकिन जब से तुमने उसे निगलेक्ट करना शुरू किया, मुझे उसका माँ और बाप दोनों बनना पड़ा। अपनी गलतियों के इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मैं आज भी वहीं पर हूँ जहां पर पहले था। दूर तुम होते जा रही हो। You know what? तुमसे शादी करना वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैं तुमसे ज्यादा नफरत करती हूँ या तुम्हारी उस बेटी से? वो हमारी बेटी है डैमिट। तुम दोनों ने मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं भी कोई खुश नहीं हूं अपनी जिंदगी से। तुम्हारी हरकतों के बारे में जानता हूं मैं। आज मनोज है ना, 6 महीने पहले विकास था। आई नो अबाउट देम ऑल। चुप हूं रिंकी की वजह से। मैं नहीं चाहता कि टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते की वजह से उसका चाइल्डहुड खराब हो। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। तुम इतना नहीं कर पाई। गुड दैट यू टोल्ड मी दैट। घर जाओ, लेट हो रहा है।
आप कहीं जा रही हैं? मेड हो मेड की तरह रहो, मेड पर्सनल सवाल नहीं करती। मैम मैम आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं। अपने सही गलत का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ, इनफैक्ट यही तो मैं चाहती थी। मैम इससे बड़ी गलती तो आप कर ही नहीं सकती कि आप अभिजीत सर जैसे इंसान को नहीं समझ पाई। वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे पिता है और एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें एक मौका तो देकर देखिए कि वो आपसे प्यार कर सके। Really? वो तुम्हें इतने अच्छे लगे तो ठीक है, मेरी तरफ से तुम फ्री। अब उनकी सारी जरूरतों को तुम पूरी करना, ठीक है? पता है मैम, आपकी ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आता, पर दया आती है। आप इतना गिर चुकी हैं कि कोई आपको हाथ देकर उठा भी नहीं सकता। तभी तो अभिजीत सर जैसे पति होते हुए भी आपने कहीं और रिश्ता बना रखा है, न जाने कब से। एक बात याद रखिएगा मैम, इस घर की खुशहाल जिंदगी को छोड़कर जिन खुशियों की तलाश में आप जा रही हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगी। Get lost. अभिजीत के मन में साची के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, लेकिन इन सबके साथ साथ उसके मन में एक और फीलिंग थी जिसे वो शायद समझ नहीं पा रहा था या समझना नहीं चाहता। और ठीक उसी तरह सांची के मन में भी अभिजीत के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक और इमोशन था जिस इमोशन को वो कोई नाम नहीं देना चाहती थी। अब जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे की जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके, एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो चुके। She will not sign the papers. क्यों? मेरी क्लाइंट कह रही है कि उसने मैरिज से एक छोटा सा ब्रेक लिया है, इसलिए वो इस बारे में और सोचना चाहती है। She needs space. अब क्या सोचना चाहती है? वो अच्छी तरह जानती है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं सफर करूं। Just tell her one thing. Divorce तुम्हें लेके रहूंगा, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह जान चुका हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी उसके बिना ज्यादा अच्छी तरह गुजरेगी। शुभेच्छा। अजीत, ओके, सो डू वन थिंग, मेरी मीटिंग 1 बजे शेड्यूल कर दो। एक्चुअली मुझे रिंकी के स्कूल जाना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ऑलराइट, ओके। वो जी नाश्ता बन गया है, मैं अभी रिंकी को बुला कर लाती हूँ। सॉरी मैम, मिस्टर वर्मा आज लेट हो जाएंगे। मैं रिंकी की नानी हूँ, आपको रिंकी के बारे में जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह दीजिए प्लीज। वी डोंट टॉक टू मेड्स, हमें स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स में बात करनी होती है। मैं रिंकी का ख्याल 1 साल से रख रही हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। तो क्या तुम बता सकती हो कि रिंकी को खाने में क्या न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं? जी मैम, मैं स्पीक इन इंग्लिश। I understand that fast food isn't healthy. Rinki is allowed to eat cheeseburgers only once a week, and I make sure I give her enough portions of sprouts, vegetables, and fruits. I also know that she requires iron, calcium, fiber, and minerals. Wow, I'm really impressed. तुम तो super daddy हो। आप भी तो super daddy हैं। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी रिंकी का ख्याल रखने की कितनी कोशिश करते हो। कम ऑन, वैसे आई एम रियली इंप्रेस्ड, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो। नाइट स्कूल से 12th पास किया है, यहाँ का काम खत्म करने के बाद वहीं जाती हूँ। दैट्स ग्रेट, तो फिर 12th पास करने के बाद तुम कॉरेस्पॉन्डेंट से ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर लेती? जी मगर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हो।
एक 5 साल के बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना बड़ा काम नहीं है क्या? और वैसे भी मुझे रिंकी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उसके साथ बिताया हुआ एक ही पल मैं कम नहीं करना चाहती। अरे बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ चले। बुरा ना लगे तो मैं आपके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता हूँ। दरअसल मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ हैप्पी फैमिलीज पर, सो प्लीज डोंट माइंड। ओके आ जाओ बेटा। ओके यहाँ देखिए प्लीज। स्माइल प्लीज। अच्छा वो सो गई, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना। अरे मॉम आपने बताया नहीं आप भी आने वाली हैं। थैंक गॉड मेरे पास एक स्पेयर की है इस घर की इमरजेंसी के लिए। रिंकी को मैं सुला देती हूँ। लो शी इज नॉट योर क्लास। कौन? तुम्हारी आया। उसका नाम साची है। हाँ नाम तो अच्छा है लेकिन नाम अच्छा होने से क्लास नहीं बदल जाता। बेटा डोंट यू थिंक कि तुम्हें उससे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए? डोंट यू थिंक मॉम आप मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करती हैं? नो बेटा आई केयर फॉर यू। बच्चा नहीं रहा आप, सब समझता हूँ। ओह प्लीज मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि she is not your type. She is exactly my type. प्यार करता हूँ उससे और शादी भी करूँगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। You have become mad. तुमने कभी सोचा है लोग क्या? अरे लोगों की परवाह नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। प्रत्युषा और मेरे डिवोर्स के बाद उस पर क्या गुजरेगी उसे सिर्फ सांची संभाल सकती है। और उसका वो सो कॉल बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे घर में छुप छुप कर उससे मिलने आता था। प्रत्युषा से मिलने आता था। प्रत्युषा और मेरे रिश्ते में दरार न पड़ जाए इसलिए उसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ वो कितनी अच्छी औरत है। उस दिन से मेरे दिल में बहुत पसंद करती हो रिंकी को तो ये भी सोच लेना जब उसके स्कूल के फ्रेंड्स उसे ये कहकर चिढ़ाएंगे कि उसके पापा ने उसके घर की आया से शादी कर ली तो वो क्या करेंगे।
मुझे रिंकी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जब ये खुद से कैसे तैयार हो गए? कल साची आंटी ने बोला था कि कल मेरा टेस्ट है। कब? जब मैं रात को डर के उठी थी तब साची आंटी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं नहीं आ सकती और मुझे अपने आप रेडी होना पड़ेगा। हाँ पास हो गए बेटा, फुल मार्क्स के साथ। साची आंटी ने कॉफी जार भी चेक करने के लिए बोला। ठीक है बेटा, आप अपना पैक पैक करो, मैं भी आता हूं। हो रहा है तो वापस क्यों नहीं चली जाती? नहीं जा सकती, मेरी वजह से उन्हें अपनी मां से लड़ाई करनी पड़ी और अगर मेरी वजह से उनकी परेशानियां थोड़ी सी भी कम होती हो तो यही सही, मैं प्यार करती हूं और शायद अपने प्यार को पाना मेरी किस्मत में ही नहीं। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। हाँ बेटा, आप गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूं। We'll be right back.
तुम किसी के साथ आई हो? नहीं, क्यों? नहीं, वो साड़ी। साड़ी? तुम्हारी शादी हो चुकी? नहीं, मैं यहीं पास में एक स्टोर में काम करती हूँ, उसी की यूनिफॉर्म है। ओह। और जैसा आपने कहा था, करेस्पोंडेंट से ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। That's great. मतलब आप वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन। रिंकी, रिंकी कैसी है? वो अच्छी है, बहुत मिस करती है तुम्हें। क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। अगर साथ में मिलके ढूंढते तो शायद मिल जाता। अभी भी देर नहीं हुई है, आ सकती हो। सुपर नानी बनके? नहीं, सुपर मम्मी बनके। और आपकी वाइफ? हमारा डिवोर्स हो चुका है 6 महीने पहले। प्लीज मैरी मी, प्लीज। क्या रिंकी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? उससे तुम खुद पूछ लो। आ जाओ, चलो। रिंकी बेटा, कैसे हो आप? अच्छी हो साची आंटी। बेटा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप इन्हें किसी और नाम से बुला सकती हैं। मम्मा। कई सारे शायर बहुत ही सही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। आपको जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आपका फ्यूचर जीवन साथी मिल सकता है, और जब आपको आपका जीवन साथी मिलता है तो फिर दुनिया के कोई भी कायदे कानून, कोई भी बंदिशें या कोई भी रीति रिवाज आप दोनों को मिलने से रोक नहीं सकते। और कैसे कभी कभी लाइफ में एक फेरी टेल एंडिंग हो जाती है, डोंट यू थिंक? And I think कि साची बहुत ही लकी थी कि उसे अभिजीत जैसा एक जीवन साथी मिला, जो दुनिया की परवाह किए बिना उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को राजी था। Well, I think इसी को कहते हैं आशिकी, don't you think? मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with yet another beautiful episode. तब तक के लिए, keep falling in love guys. I'll see you next week.